रीमा जी ने फिल्म बुलंदी से अपने फनी सफर का आवाज किया। कहते हैं कि कोई तो मजबूरी होगी वरना लोग यूं बेवफा नहीं होते। अनजाने में कभी कोई ऐसी बात हो गई तो रीमा वी डू लव यू एंड आई लव द इंडस्ट्री। और जब भी मेरी आवाज सुनो ये जान लो पहचान लो कि ये मैं नहीं तुम हो। काम के सिलसिले में अपने बेटी साहिबा की मिसाल नहीं देती, मैं रीमा की मिसाल देती हूँ कि शी इज क्रेजी। कि ससुराल जाकर मेकअप को ना भूलना। ये हर शूटिंग खत्म होने के बाद हम यही करते हैं। मुझे भी एक किला है, उमर ने खाना किया और मुझे नहीं बुलाया। मुझे तो किसी ने बताया उमड़े में नहीं गया। आप लोगों का प्यार है कि आप लोग आते हैं और ये लाहौर की क्या पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया की जहाँ उर्दू बोली समझी सुनी जाती है उसकी रौनक है। ये मेरे ऊपर एक मुश्किल वक्त आया जब मैडम ने एक शर्त रखी कि घर बनाओ, तो मैंने पैसे इकट्ठे किए तो कुछ पैसे कम पड़े और आइए आइए मैं कहती हूँ कि खुदा जितनी भी खुशियाँ अता करे उतना कम है। ये वाकई ही सच मान सही मानों में हम सब की जान बन चुके हैं। खुदा इन दोनों को बहुत जिंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल। देखते रहिए। हाँ ना, मैं अपने और खुशबू की तरफ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रीमा जी ने फिल्म बुलंदी से अपने फनी सफ़र का आगाज किया और बुलंदियों का ये सफ़र जूँ शुरू हुआ तो उसके बाद इनकी निजी ज़िंदगी में भी बुलंदियों की तरफ जाने का ये सफ़र जारी और सारी रहा और अब तक ये जारी और सारी है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़कर और कोई दुआ नहीं हो सकती कि अल्लाह ताला आपका ये बुलंदी की तरफ जाने का जो ये सफर है इसी तरह अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। आमीन आमीन। मेरी शादी, मेरा रिसेप्शन जब यहाँ पर हुआ तो ये नहीं आए तो मैं एक्चुअली बहुत सारे सितारे थे और मैं ढूंढ रही थी कि चांद नजर नहीं आ रहा। जब चांद ना आए तो फिर तकलीफ तो होती है। कहते हैं कि कोई तो मजबूरी होगी वरना लोग यूं बेवफा नहीं होते। आप साइमा दोनों उस वक्त नहीं आए मगर आज आए तो मुझे लगा कि बस ढेरों सारी खुशियां मेरी जिंदगी में शामिल कर दी आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया। बट साइबा रैम्बो बस क्या कहूँ आप दोनों को, आप लोग तो बाकी ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का बल्कि हम सब के दिलों का झूमर है। और खुदा आप दोनों के घर को आबाद रखे और इस तरह की खूबसूरत महफिलें आप सजाते रहे और ये प्यार अल्लाह ताला हम सब का हमेशा कायम रखे और उमर साहब इसी तरह अपने खूबसूरत अल्फाज हम सबको महसूस करते हैं और खुदा इनको जिंदगी फूल उम्री अता करे। धूप निकली तो मेरे जिस्म से साया निकला, किस कड़े वक्त में अपना भी पराया निकला। तो जब अपना पराया हो जाता है तो दुख बहुत होता है, लेकिन आज सारे जो पराये रखते थे वो एक जान है इंशाअल्लाह और हमेशा रहेंगे। तो रीमा के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैं और मेरा खुदा अक्सर ये भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं और वो मेरी अताओं। कि कभी जिंदगी में कोई गलती हो गई हो या दिल टूटा हो तो माफ करें। अनजाने में कभी कोई ऐसी बात हो गई हो तो रीमा वी डू लव यू एंड वी लव एंड आई लव द इंडस्ट्री द होल इंडस्ट्री। बेहतरीन आवाज, खूबसूरत आवाज हमारे पाकिस्तान की बहुत अच्छी तबीयतों का और भाभी इससे ज्यादा अच्छी भाभी हमारी बहुत सारी तालियां मिस्टर एंड मिसेस वारिस बेज। तो आज ये जो महफिल है ये ब्रिज है हम सबके बीच में। आई थिंक ये चेन है, ये दो बंदे इस तरह की हमें दो तीन और चेन्स चाहिए इस ग्रुप को रखने के लिए। कभी मैंने कर लिया, कभी इसने कर लिया, मम्मी ने बड़ी अच्छी बात की, कभी मम्मी अपने घर में बुला ले तो फिर तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है, हम अपनी बातें कर सकते हैं। हम ओबियसली हमने 13-14 साल इकट्ठे काम किया तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप जहां भी जाएं, जब भी आप मुझे आवाज़ दें, आई विल बी देयर।
और जब भी मेरी आवाज सुनो ये जान लो पहचान लो कि ये मैं नहीं तुम हो। तो उड़ीसा में जब भी बनाएंगे जी आप वो लम्हा आ गया है जिसका सदियों से हमें इंतजार था। बहिश्त की हो तो रीमा एक ऐसी आइकॉनिक पर्सन है जिसने अपॉर्चुनिटी तो खुदा ने दी, बहुत अच्छा चांस दिया, लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया, उसको कंटिन्यू किया, उसको मेंटेन करने के लिए वैसी एफर्ट की जिससे जैसी कि उसे अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये बाकी लोगों के लिए जो कहते हैं कि हाय साड़ी किस्मत, हमारी किस्मत में नहीं, वी आर अनलकी पर्सन, ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है कि काम करो, एफर्ट करो और करते रहो, अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देता है। बाखुदा काम के सिलसिले में अपने बेटी साहिबा की मिसाल नहीं देती, मैं रीमा की मिसाल देती हूँ कि शी इज क्रेजी। अपना काम, अपना जुनून, अपना जो इसने अपने आप को ग्रूमिंग की है, वो एक ऐसी मिसाल है जो मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री या शोबिज में या किसी भी अच्छे कामयाब शख्स की जिंदगी में सुनहरी रूप में लिखी जाए। तो जिस तरह शोबिज में अल्लाह ताला ने इसे कामयाब करार दिया, अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया परवरदिगार, इसके घर में भी ये टॉप क्लास सुपरस्टार हो, सुपरस्टार बहू हो, सुपरस्टार माँ हो। तो कारखाने कुदरत में जितनी दुआएं बनी हैं परवरदिगार वो रीमा को देती हूँ, अल्लाह ताला इसे किसी चीज की कमी ना आए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सी दुआएं रीमा के लिए हैं। महीने में दो दफा, और हमारे ये पार्टी करने का मकसद ही ये था कि एक रीमा ने हमारे शादी में बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन की, तो हमारा भी हक बनता था क्योंकि हमारे जो चाव थे वो नहीं पूरे हुए थे। बाहर शादी हुई, फिर यहाँ भी रिसेप्शन हुआ रीमा की शादी के लिए, तो वो हमने सोचा कि आज इनको रिसीव करके और सब आप लोगों को इकट्ठा करके, काफ़ी अरसे बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और आप मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, और बहुत सी दुआएं रीमा के लिए। एक खूबसूरत सा शेर तो होगी, दुआइया शेर। तो हर कदम नेक राहों पर रखे, खुदा तुझको रहमत की छाँव में रखे, तुझ पर ना आए खिजाओं का मौसम, खुदा तुझको अपनी पनाहों में रखे। आमीन। बहुत सी दुआएं आपके लिए रीमा, और मकसद यही है कि ससुराल जाकर मैके को ना भूलना। जी तो वो वक्त आ गया हर शूटिंग खत्म होने के बाद हम यही कर देते हैं। अच्छा ठीक, इधर आइए, आप दोनों इधर आए। इधर आइए जी। अच्छा ये आवाज, अच्छा जी आपने कभी इस्तेमाल नहीं की ये वाली आवाज। अच्छा खैर, नहीं ये ओरिजिनल है शाह जी, ये बिल्कुल सच्ची आवाज है, ये मैं बोल रहा हूँ, बनाऊंगा तो फिर ये बनेगी। मैडम निशु, मुझे भी एक किला है, उमर ने खाना किया और मुझे नहीं बुलाया, मुझे तो किसी ने बताया, उमड़े में नहीं गया। आज पे। अच्छा मैडम मेरे पास आए जी, जब ये शख्सियत लाहौर में थी तो इसमें कोई शक नहीं कि रौनक थी, और हम लोग इकट्ठे हुआ करते थे, मम्मी आपको याद होगा, शाह जी आपको भी, और अल्लाह की ये खास करम नवाजी है हमारे घर के ऊपर, हम दोनों मियां बीवी से या आप खास प्यार करते हैं कि हमने जब भी बुलाया है, जिस जिस को बुलाया है वो सब आए हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो आके चले भी गए हैं, और मुझे मजे की बात ये लगती है कि ये मतलब किसी से नाराज भी है ना, और एक दूसरा बंदा भी इससे नाराज है, जब मैंने दोनों को बुलाया तो दोनों आ गए हैं और दोनों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, ये कैसी बात है, ये तो बढ़िया।
ये आप लोगों का प्यार है, आप की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि आप लोग आते हैं। और ये लाहौर की क्या पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की जहाँ उर्दू बोली समझी सुनी जाती है उसकी रौनक है ये। और आज ये पार्टी सवा 12 12:30 खत्म हो चुकी होती अगर ये ना होते। अल्लाह आपको सलामत रखे उमर भाई। अब मैं आता हूँ रीमा की तरफ, मेरी बहनों की तरह है। और पहले दिन से ये वो शख्सियत है, मैं बता रहा हूँ ना, ये वो शख्सियत है कि जब पहली शूटिंग पे हमारी आई तो मैं और ये शूटिंग कर रहे थे तो ये मुझे मिलने आई, हमारी तो दूसरी मुलाकात थी, तो एकदम ये सामने आई तो मुझे कहते हैं रैम्बो, नहीं अफजल ही कहा, मुझे कभी रैम्बो नहीं कहा, खान साहब और रीमा ने हमेशा मोमी साहब यार लव स्टोरी बता रहे भाई, लव स्टोरी तन डोले आगे सुनो ना, वो भी आगे क्या सुनो, तन डोले डोले मन डोले डोले अच्छा। फिर इन्होंने ये बहन बनी, बहन बन के इन्होंने दिखाया। मेरे ऊपर एक मुश्किल वक्त आया जब मैडम ने एक शर्त रखी कि घर बनाओ, तो मैंने पैसे इकट्ठे किए तो कुछ पैसे कम पड़े। और आइए आइए देखिए, पिछली दफा भी हमने पठान की हंसी सुनी थी, फिर हमने सुनी है और उतना ही हंसे हैं। अच्छा मुश्किल वक्त आया जी, मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने, नहीं मैं एक बात बताऊं तो अगर ये उस वक्त मेरी मदद ना करती तो मेरा बयाना जो था ना वो जब्त हो जाता, तो और कोई नहीं था। तो ये फिर मतलब याद रखने वाली बातें हैं। और मुझे बात नहीं यार, ये इतना प्यारा आदमी, इतना प्यारा इंसान है, मैं अभी ये बात खत्म कर चुका था कि हमारी बाजी इतनी प्यारी है कि उन्होंने देखो वो मकान, उन्होंने कोई तुम ये वाक्य सुना तो मैं कहता हूँ उन्होंने कितनी दानिशमंदी करी, वरना तुम बना नहीं पाते अगर ये कंडीशन तुमने इसके मोहब्बत में बनाया ना, मगर उन्होंने इस बात को वो किया, बनवाया ये बात, और इन्होंने मेरा बयाना बचवाया, ये बात भी कह रही थी। बहरहाल ये दोनों मियां बीवी हमेशा यही करते हैं, पार्टियां करते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। और रीमा कुछ कहना चाहती है, चल आखिरी, बिल्कुल फाइनल आखिरी कहना है आपने, ओके बीच में किसी ने माइक नहीं लिया, कोई नहीं बोले प्लीज, आपने भी नहीं, आखिरी मुख्तसरन मैं इतना ही कहूंगी कि एक एक शख्स का जो भी यहाँ पर बैठा है उन सब के लिए मेरे दिल में इतना एहतराम पहले भी था, मगर आज आप सबके आने से आपकी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई। और मैं यही कह सकती हूँ कि जितनी देर आपने यहाँ पर खड़े होकर, जितनी देर यहाँ बैठकर आपकी एक एक मुस्कुराहट, एक एक लफ्ज मेरे लिए खजाने की मानंद है, जिसको सारी ज़िंदगी मैं अपने दामन में, अपने दिल में छुपा कर और बसा कर रखूँगी। और मैं इन दोनों के बारे में यही कहूँगी कि ये जैसे मैंने पहले कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का क्या हम सब के दिलों का ये ताज बन चुके हैं, और ये जो रिवायत इन्होंने डाली है, जो मोहब्बत की बुनियाद इन्होंने रखी है इतने अरसे के बाद, और जो फासले हमारे दिलों में आ गए थे थोड़े बहुत, उनको ख़त्म करने का ये बायस बने हैं, तो ऐसे लोग तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा तोहफा है हम सब के लिए। आप सबकी मोहब्बत का, आप सबके आने का बहुत शुक्रिया, यहाँ से जाते हुए इतनी मोहब्बतें, इतनी यादें प्यारी लेकर जा रही हूँ कि मुझे जाकर भी वहाँ बिल्कुल तन्हाई का एहसास नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि अगर आपके दिल में ढेरों सारा प्यार हो, मोहब्बत हो अपनों की, तो आप तन्हाई में भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करते, और अगर ये प्यार आपके पास ना हो तो मजमे में भी आप अपने आप को तन्हा समझते हैं। आप सबकी मोहब्बतें मेरे साथ होंगी, और उमर आपके लिए तो मैं यही कह सकती हूँ कि खुदा आपको तू लोरिया अता करे, आप ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि एक एक शख्स जो वाकई उर्दू समझता है उसके लिए आप
एक ऐसा खजाना है उसकी जिंदगी के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता मेरे मियाँ तो शायद दिल की वेन खोलकर एक शख्स को जिंदगी देने का बायस बनते हैं, खुदा उनके हाथ से शिफा देता है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट, आपके खूबसूरत जुमले, आपके अल्फाज, आपको पता नहीं कितने लोगों को जिंदगी की जानिब वापस ले आते हैं। तो आपने उनसे शादी क्यों की? क्योंकि आप आज भी शादी शुरू करो और दीवा मेरी बहनों की तरह है। आप सब के घरों को आबाद और शाद रखे, खुदा मेरे घर को भी आबाद और शाद रखे, हम सब के घरों को खुदा हासदी के हसद से, नजरे बद से बचाए। आप सब लोग इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं ये दुआ करती हूँ कि जितने आप सब प्यारे हैं इतना ही प्यार खुदा आप सबकी जिंदगी में भर दे, हमारे प्यार को हमेशा कायम और दायम रखे। और इन दोनों को मैं कहती हूँ कि खुदा जितनी भी खुशियां अता करे उतना कम है, ये बातें ही सच मान सही मानों में हम सब की जान बन चुके हैं। खुदा इन दोनों को बहुत जिंदगी अता करे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उमर साहब क्लास जाते जाते, मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कभी दिल से नहीं जाती खुशबू, खास इतने अरसे बाद मिले और गिले शिकवे दूर हुए। शाह जी आपके लिए भी, आपके साथ तो मेरा सारी जिंदगी, क्योंकि बेटे को मैंने गुर्दी दी है तो कैसे मैं भूल सकती। मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कभी दिल से नहीं जाती, हजारों रंग हैं इसके, कभी दरिया कभी सहरा कभी जुगनू कभी आंसू, कभी समंदर के किनारे प्यासा मार देती है, ये भी हकीकत है कि मोहब्बत फिर मोहब्बत है, कभी दिल से नहीं जाती। थैंक यू। गालिब की किताब के 100 सफ़े सुनाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।